26 नवंबर से चलने वाले मिजल्स रूबेला टीकाकरण अभियान का सोमवार पिपराइच के विधायक महेंद्र पाल सिंह और जिलाधिकारी के विजेंद्र पांडेयन द्वारा एक स्कूल में फीता काट कर शुभारंभ किया। 31 दिसंबर तक चलने वाले मिजल्स रूबेला टीकाकरण अभियान की सफलता के लिए स्वास्थ्य विभाग द्वारा कई टीमें गठित की गई हैं। इस अभियान में 9 माह से लेकर 15 वर्ष तक के बच्चों का मिजल्स रूबेले का टीकाकरण होना है। आपको बता दें कि मिजल्स अत्यधिक संक्रमण वायरल रोग है और रूबेला भी एक संक्रमण बीमारी है। वर्ष 2020 तक मिजल्स को खत्म करने एवं कंजिटल रूबेला सिंड्रोम को कंट्रोल करने के लिए भारत सरकार ने एक बड़े पैमाने पर चरणबद्ध तरीके से टीकाकरण अभियान शुरू किया है, जिसमें महत्वपूर्ण जिम्मेदारी स्वास्थ्य शिक्षा एवं ICDM विभाग की है। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए CMO डॉक्टर एस के तिवारी और जिलाधिकारी के विजेंद्र पांडेयन ने बताया। आज 26 नवंबर से 31 दिसंबर तक मिजल्स रूबेला कैंपेन, मिजल्स रूबेला वैक्सीनेशन का अभियान शुरू किया गया है जनपद में, और इसमें हमारा लक्ष्य है 16,87,000 बच्चों का जो 9 महीने से 15 साल की उम्र के हैं उनको टीकाकृत किया जाएगा। शुरू के 2 हफ्ते हम स्कूलों में प्लानिंग किए हुए हैं कि स्कूलों में हमारी टीम जाकर इन बच्चों को प्रतिरक्षित करेंगी। अगले 2 हफ्ते में ये हम आंगनबाड़ी केंद्रों और आउटरीच कैंप्स से तथा मोबाइल टीमें दौड़ा के ईंट भट्टों पे, नोमैड्स एरियाज में, ऐसी जगह जहाँ पे घनी आबादी रहती है उन जगहों पे टीमें लगाकर वहाँ पर प्रतिरक्षण करेंगे। इन 4 हफ्तों में हमें कोशिश है हमारी कि हम 100% आच्छादित करें। यदि कुछ छूट जाते हैं तो जो आखिरी 5वां हफ्ता है उसमें हम मॉपअप राउंड चलाएंगे और एक एक बच्चे को ढूंढ के वहाँ पर हम लोग उनका टीकाकरण करेंगे। ये टीकाकरण मीजल्स और रूबेला दोनों बीमारियों से, जो कि कम्युनिकेबल डिजीज़ हैं और बहुत ही घातक बीमारी है, और रूबेला एक ऐसी बीमारी है जिसमें कि महिला को अगर हो जाए, प्रेग्नेंट हो महिला, तो उसमें बार बार एबॉर्शन हो जाता है, बच्चे उसमें दिव्यांग पैदा होते हैं, हार्ट डिजीज़ के पैदा होते हैं, कंजेंटल कैटरेक्ट के पैदा होते हैं, इस तरह से तमाम चीज़ें होती हैं। जहाँ तक देखा गया था कि 2 साल से नीचे के मीजल्स से जो कॉम्प्लिकेशन होता है उससे मरने वाले बच्चों की संख्या काफ़ी थी, तो ये बहुत ही अच्छा एक अभियान शुरू किया गया है पूरे उत्तर प्रदेश में, हमारे जनपद में भी। मैं अभिभावकों से और सबसे अपील करूँगा, शिक्षकों से अपील करूँगा कि वो इन टीमों को सहयोग प्रदान करें और समस्त 9 महीने से 15 साल तक के बच्चों को टीकाकरण कराएँ। इसमें एक बात और बताना चाहूँगा कि मीजल्स का टीकाकरण अगर बच्चे को पहले से हुआ भी है तो भी इस अभियान के तहत उसको ये मीजल्स रूबेला वैक्सीनेशन दिलवाई जाना है। आज मीजल्स रूबेला टीकाकरण जनपद गोरखपुर से प्रारंभ हुआ है, कैंपस विद्यालय से सुबह हम लोग प्रारंभ किए। ये आज 26 नवंबर से लेकर 21 दिसंबर तक चलेगा। हम लोग टारगेट फिक्स किए 17 लाख बच्चे का हम लोग टीकाकरण लगाएंगे, खासतौर पर उस पर 9 माह के ऊपर और 15 साल के नीचे वाले बच्चे मीजल्स और रूबेला का जो बीमारी का शिकार होते हैं उन्हीं लोग का बच्चे का टीकाकरण लगवा रहे हैं। आपका जो सभी दर्शक को मीडिया माध्यम से अपील करता हूँ, ये प्राइवेट में बहुत महंगा वैक्सीनेशन लगाते हैं, उसका खर्चा भी ज़्यादा पड़ता है। इस समय में अभियान के तौर से लगाने में आपका 2 फायदा है, आपके बच्चे का जो मुफ्त में जो टीकाकरण है वो भी लग जाएगा, और साथ साथ जो बच्चे का मतलब ग्रुप में टीकाकरण लगने का जो ताकत भी मिलता है, बीमारी अपने आप कमज़ोर हो जाता है। आपसे निवेदन करता हूँ, अपने बच्चे का भी, आसपास बच्चे का भी मोटिवेट करिए
बता दीजिए, ये जो मिशन रुबल्ला टीकाकरण वो स्कूल में ही हम लोग लगा रहे हैं यहाँ से लेके आज से लेके 21 दिसंबर तक आप कृपया करके लगा दें। सर स्कूल में जो बच्चे बच गए क्या उनके लिए अलग से भी, उनको भी तो 2 सप्ताह हम लोग स्कूल में कराएंगे, उसके बाद डोर टू डोर जा करके हम लगवाएंगे अगले 2 सप्ताह, 5 सप्ताह चलता है, अगले 2 सप्ताह हम लोग डोर टू डोर घर घर जा करके हम लोग टीकाकरण लगाएंगे, उस पर भी छूटे हुए बच्चे के, फिर अगले और 1 सप्ताह है वो उस पर भी फिर जा करके बुला के लगाएंगे, नहीं तो घर पर जाकर लगाएंगे। कितने बस के बच्चों के इसे लेके 15 साल के नीचे तक, 15 साल के नीचे तक मान के जाएंगे, बट 9 महीने से ऊपर थोड़ा बड़ा बच्चा 17 लाख बच्चे का लगाने के लिए टारगेट।